हेलो एवरीवन, नीलम की रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं ये वेज रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ख़ासतौर से ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये छोटी सी घंटी को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और अपने कॉमेंट ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है पनीर। इसे मैंने छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब में काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकती हैं। यहाँ मैंने टोमेटो लिया है और ये है कैप्सिकम। अनियन मैंने छोटे छोटे रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है कैरेट और उसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है मैंने। और यहाँ पर लिया है मैंने एक रेड चिली। तो इन सभी को मिला के बनाएंगे और बाकी मसाले मैं बनाते वक्त ऐड करूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए मैंने लिया है ये आटा और मैदा, दोनों बराबर बराबर मात्रा में मैंने लिया है। एक बोल लिया है मैंने मैदा और एक बोल आटा। और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के और इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा एक डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, जिस तरह की हम चपाती के लिए करते हैं उस तरह का सॉफ्ट डो हमें इसमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा मैंने इसे घूम दिया है। अब इसको थोड़ा देर हम कवर करके रख देंगे। तब तक चलिए इसका पैटर्न। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसे फुल फ्लेम पे हीट होने देंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो है बटर। इसे मैं बटर में बनाऊंगी क्योंकि बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद इसे सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा मैंने कटिंग किया, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ग्रीन भी डाल सकती हैं। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार बना सकती हैं। बहुत लोग ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग कम तीखा खाना पसंद करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये अनियन। किसी भी सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम वेज रोल बनाते हैं तो ये हमें ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं होता है। बस थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये जो कैरेट है वो। अब ऐड करेंगे इसमें हम ये कैप्सिकम। सारे सब्जियां पानी छोड़ते हैं, चाहे वो कैरेट हो, चाहे टोमेटो हो या कैप्सिकम हो, इसलिए गैस का फ्लेम लो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें बिल्कुल हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह हम चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये पनीर। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। अब इसे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप इसमें रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस भी ऐड करके इसका फ्लेवर बना सकती हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। 2 चम्मच टोमेटो सॉस इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे।
इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार सॉल्ट, क्योंकि इसमें सॉस पहले से डाले हैं उसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता ही है, इसलिए इसमें सॉल्ट डालने से पहले आप टेस्ट एक बार कर सकती हैं। तो ये देखिए सब्जियां हमारी लगभग भून चुकी हैं, अब बस इसे एकदम हाई फ्लेम पे एक मिनट तक और भून लेते हैं ताकि इसमें जो ये नमी बनी हुई है वो नमी जो हमारी है वो थोड़ी सूख के जो ड्राई ड्राई सा थोड़ा सा हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह पक गई हैं, अब इन्हें हम नीचे उतार लेंगे। तो अब चलिए एक बार इसे आटा देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके छोटे छोटे पुड़िया बेल के तैयार कर लेंगे। इस तरह लोई लेंगे छोटे से और बिल्कुल पतला सा बेलेंगे ताकि जो हमारा बेस रोल है जो वो सॉफ्ट लगे। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से हम कुछ इस तरह बिल के तैयार कर लेंगे और इधर साइड से हम इसका ये हिस्सा हम निकाल लेंगे। अब इस पे हम अपने स्टफिंग ऐड करेंगे, जैसे कि ये जो मैंने बनाया है अभी तो इसमें ऐड कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी लगता है देखने में और इसको खाने में भी बहुत स्वाद आता है। ये यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये चीज टाइटली फोल्ड करना है बिल्कुल, जिससे कि सब्जियां जो है वो बाहर ना आए, तो इसलिए पहले इधर फोल्ड कर लेंगे हम और ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह और सब्जियों को इस तरह कर लेंगे और इसे बिल्कुल टाइटली फोल्ड करेंगे इस तरह, सब्जियां बिल्कुल बाहर नहीं आए इस वजह से इस तरह से फोल्ड करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ लास्ट पे आपको थोड़ा सा इसमें पानी लगा के और इसको चिपका लेना है इस तरह। यहाँ पानी लगाएंगे ताकि सब्जियां जो हमारी है वो खुले नहीं और इसे इस तरह चिपका लें। अब सारे रोल को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे जिस तरह की मैंने इसे तैयार किया है। तो ये देखिए मैंने इस तरह सभी को तैयार कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूंगी और इसको तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई मैंने ली है, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। आप इसको तलने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकती हैं, बट यहाँ पे मैं घी यूज़ करूँगी। मैं घी में तलूँगी इसको। तो घी मैंने इसमें देसी गाय का घी ऐड किया है और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हीट होने देंगे, उसके बाद ही इसमें हम तलेंगे। तो ये देखिए हमारा तेल हीट हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके और ये वेज रोल जो है इसमें हम ऐड करेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे। इसे इस तरह धीरे धीरे करके हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करने से क्या होगा कि आपके जो रोल हैं वो एकाएक बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे और इस तरह अगर मीडियम फ्लेम पे आप पकाएंगे तो ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे जो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और साथ ही क्रिस्पी भी बनेंगे। ये इन्हें इस तरह हल्के हल्के आप चलाती रहें।
करके हो गया, हम इसे हम धीरे धीरे करके दूसरे साइड भी सीख लेंगे। नहीं तो ये एक साइड में बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए हल्के हल्के हम इन्हें पलट लेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम बाहर कर लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें बस इसे अच्छी तरह पकाना है। सब्जियाँ तो इसके अंदर ऑलरेडी स्टफिंग जो है वो पकी हुई है। ये देखिए बस इस तरह का कलर ही हम रखेंगे। ज़्यादा जला हुआ या ज़्यादा डार्क ब्राउन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे तो हम बाहर कर लेंगे और बाकी के भी रोल इसी तरह हम इसमें तल लेंगे। तो ये देखिए आइए दिखाती हूँ मैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, कितने जूसी हैं ये अंदर से। तो यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। थोड़े से डिज़ाइन में तिरछा करके भी इसे हम कट कर सकते हैं। कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितना सुंदर और बहुत यम्मी। और आपने देखा कि कितने क्रंची हैं, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। देखा आपने, आप सभी के लिए हेल्दी सा, यूनिक सा, टेस्टी सा वेज रोल बन के बिल्कुल तैयार है। और ये कितना टेस्टी है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे वेजिटेबल बहुत हेल्दी हैं। तो चलिए अब आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए किसी नए रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।